नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह के वक्त भीगे हुए चनों को खाते हैं और उसके तुरंत बाद नाश्ता भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो भीगे चने होते हैं, इसके बाद ऐसी कुल मिला के 5 ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर भीगे चनों को खाने के बाद अगर इन 5 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का अगर आपने सेवन किया तो ये शरीर में रिएक्शन पैदा कर सकती है और आपको बहुत सारी तरह की और प्रॉब्लमों से घेर सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए कि वो 5 चीज़ें ऐसी कौन सी है, क्योंकि अगर इनको खा लेंगे तो भीगे हुए चने खाने के बाद ये 5 चीज़ें आपके शरीर में जाकर जहर बन सकती हैं, जिससे आपको बहुत सारी तरह की बीमारियां घेर सकती है और इन बीमारियों का जल्दी इलाज भी नहीं मिल पाता। तो चलिए, आपका बिना कोई वक्त गवाए बताते हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है दूध। दोस्तों, चने का सेवन करने के बाद कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सफ़ेद दाग की बीमारी झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है लहसुन। दोस्तों, भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ झेलने को मिल सकती है। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है अंडा। जी हाँ दोस्तों, अंडा और चना दोनों ही हाई प्रोटीन फूड है। अगर दोनों को साथ में खाते हैं तो यह रिएक्शन करते हैं, जो हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमको पेट से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है। इसलिए भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी अंडों को नहीं खाना चाहिए और साथ में भी इनको नहीं खाना चाहिए। बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो कि है अचार। दोस्तों, सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होना तय है। भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ हो जाएगा और पेट में जहर बनने के साथ साथ इससे हार्ट की बीमारी भी आपको हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा सीने में भी लगातार जलन और दर्द बना रहता है, इसलिए कभी भी भीगे हुए चनों को खाने के बाद अचार का सेवन नहीं करना है। और बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जो कि है करेला। दोस्तों, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी आपको करेले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाए जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाए जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यह हमारे शरीर में जाकर मिक्स होकर जहर बना देता है। इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए कभी भी भीगे हुए चनों को खाने के बाद करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिनको भीगे हुए चने के या तो साथ में या फिर बाद में कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट झेलने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, यही थी हमारी आज की जानकारी, जो होती है यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।